अच्छा तो मेरे बिरहा के प्रेमी श्रोता बंधु, मैं मूलचंद यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से आप लोगों के समक्ष आप लोगों के बीच में एक नई बिरहा लेके प्रस्तुत हूँ साथियों। इतना ही नहीं साथियों, तमाम फेसबुक यूट्यूब अखबार में आप लोग देख रहे हो, बंगाल में कलकत्ता की मौमिता रेप हत्याकांड, एक व्यथा कथा ये बाबू आप लोगों के सामने पेश बा। चार लाइन भूमिका के अंदर कवि के कलम संकेत कहिले कैसे भैया? भूमिका तो बोला पहले कि जुर्म के आग में कि जुर्म के आग में जल रहा है पाप मानव के सर देखो चढ़ने लगा, चिन्ह तेरी नहीं अब बहन के रो रो धर्म अपन मुँह को छिपाने लगा। ये भैया आज देश के कोने कोने में घटना से लोग परेशान हैं, पूरा देश मौमिता हत्याकांड को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है साथियों। आज यह कहानी आप लोगों के सामने पेश बा, एक लाइन भोजपुरी गजल का टुकड़ा लगा कि
कोने कोने में चोरी अत्याचार हत्या बलात्कार इतना ज्यादा चरम सीमा पर है कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कहानी के हेमे से शुरुआत भई चार लाइन शहर के अंदर कहना। चार शादी करके समाज को बदनाम किया इज्जत लूट के भाग नहीं लापरवाह किया। ए भैया आज संजय राय की बात आप लोग पहले बात के समझ ला। कहानी बिल्कुल शीशा की तरह साफ झलके लगी। ए बाबू आरजेडी मेडिकल कॉलेज की बात है साथियों, जहां पर शिक्षा दिया जाता था, बच्चों को डॉक्टरी सिखाया भी जाता था और इलाज भी बहुत अच्छी तरह से होता था। वहीं आस पड़ोस का रहने वाला एक संजय राय नाम का शख्स था जिसका काम था दलाली करता था, मरीज को ले आता था और जो हॉस्पिटल मरीज के वारिस होता था उससे पैसा ज्यादा दिला करके जो मेडिकल कॉलेज का मालिक था संदीप घोष, उसके साथ उसकी काफी जमती थी। इतना ही नहीं साथियों, कमीशन भी लेता था। एक दिन अरे गीत आप लोगों के मनोरंजन के लिए रहा, लेकिन भाव पर गौर करिए। पुलिसा का वराली पहिने संगली रजाई करे तरफ से पहले अरे का पर बनी के
जा लेके आयल संजय राय अपने मित्र के किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में लेकर के आता है इलाज के लिए। जाने समय मौमिता को देखता उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता है। आज अपने साथी रमेश से कहता है, यार बड़ी सुंदर है। और इतना ही नहीं, रात को लगभग 11-12 बजे दोनों संजय राय और रमेश दोनों बाहर जाकर के शराब पीते हैं। उसके बाद अंदर आता है, देखता है मौमिता अकेले है, तो करता का है एक लाइन गीत लगन। वह गीत बार अरे खाई गई लू लंगड़ाया संजय राय चौथे मंजिला पर चढ़ जाता है, जहाँ पर मौमिता बेचारी 36 घंटा से ड्यूटी करके आराम कर रही थी। जा करके उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने लगता है, उसकी आबरू लूट लेता है। साथियों इतना ही नहीं मित्रों, यहाँ बताया गया कि उसका गला काफी समय तक दाब के रखा। आखिरकार मौमिता इस दुनिया को छोड़ चली। ए भैया जब छोड़ चलल तो कवि जी की कलम बिरहा के शैली में संकेत कर ले भैया कि अरे मोरे राम मोमिता
ममिता इस दुनिया के छोड़ चल, एक लाइन गीत लगल कौन साहेब बिना टिकुली। सुंदर भाव पे गौर करिए कि अरे अनहरिया लागे दुनिया में, बाबू अनहरिया लागे दुनिया में, डुबली जब ममिता इस दुनिया को छोड़ चली तो भाई का अंतरा के लाइन का माई बाबू का बात ही हमें छोड़ा, अब पूरे देश की जनता ममता बनर्जी के ऊपर अंगुली उठा रही है। सब लोग संकेत कर रहे हैं कि ऐसे कुकर्म को, ऐसे कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। साथियों, तो आज कवि के कलम ममता बनर्जी के प्रति चार लाइन लिखल गई, कैसे गीत लगल। अरे हमार पाऊ जे बड़ा जहिया है का कि अरे ममता बनर्जी तोर कुर्सी छिन जाई घटना कर
क्रोधावेश में यही कह रहे हैं का कि अरे यूपी में देखा योगी का सरकार हो, एक हाथ माला एक में भाला तलवार हो। लेकिन ये भैया आप आल्हा के अंदर का है नाम कैसे अरे चोरी गुंडा कर दिया जा बोले दुनिया में गुंडा कर दिया ले बने साथियों, कवि की कलम संकेत करती है कि आज के समय में गुंडा मवालियों की ही सुनवाई होती है, गरीब लाचार बेचारे की कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अंतिम प्रमाण में कहना है का दोहाई, अरे संजय पे फांसी अब चाहिए।